हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो गरिमा त्रिपाठी, यस महक गुप्ता, कैन यू लिसन मी? हेलो कैन यू लिसन मी, आंसर प्लीज। यस सर। ओके ओके, सो एज यू नो आई हैव ऑलरेडी told you about the hack driver. So whatever the next information related to the hack driver, I would like to share the things with you. Okay, so now whenever it was said by the narrator, he said, I don't want to interfere young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. ठीक है ना, लुटकिन से कुछ पैसा मिल सकता है। ही नेवर पेज एनीबडी ए सेंट, किसी को नहीं देता है। ही विल ओज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम, आई वाज फूल इनफ टू प्ले विद हिम। ठीक है ना, ही इज नॉट रियली बैड, वो गंदा आदमी नहीं है, बट इट इज हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। ठीक है ना, उसको लेकिन पैसे में किसी को साझा नहीं करता है। इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ्स, he will be suspicious and get away from you. ठीक है ना, if you will want to go into fridge and ask for him and you can keep out of sight behind me. ठीक है ना, आप ये इसकी हिंदी बता रहे हैं। ये यदि उससे पैसा वापिस लेने की कोशिश इन अच्छे वस्त्रों को पहनकर करोगे तो उसे संदेह हो जाएगा और वह भाग जाएगा। यदि आप चाहें तो मैं फ्रिज की दुकान पर जाऊंगा और उसके बारे में पूछूंगा और आप मेरे पीछे रहें, सामने ना आए। ठीक है, इस पर आई लव्ड हिम फॉर दिस, इसके लिए मुझे उससे प्यार हो गया। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, और मैं अकेले उसको कभी नहीं खोज पाता। ठीक है, विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, इस गाड़ीवान की, हैक ड्राइवर मीन्स गाड़ीवान की जानकारी की सहायता से मैं किसी भी व्यक्ति को खोज सकता था। ये देखिए आगे लिखा, और नोइंग हेल्प आई वाज श्योर ऑफ गेटिंग माय मैन, मैं किसी को भी ढूंढ सकता था। आई टुक हिम इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस। ठीक है, मैंने उसको विश्वास पात्र मान लिया तथा उसे बताया कि मैं लुटकिंस को तलबनामा, समन मीन्स तलबनामा होता है, देना चाहता हूँ। ठीक है, when he is Lutkins that the man had refused to be witness. ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति ने साक्षी बनने से इनकार कर दिया है। when his information would have quickly settled our case, जबकि जानते हैं, जबकि सूचना से हमारा केस शीघ्र ही हल हो जाता। लेकिन हुआ क्या, at the end the driver listened earnestly, माने वो ध्यानपूर्वक सुनता रहा, मेरी बातें सुन रहा था। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लॉक्ड, और इसके बाद अंत में वो मेरे उसने कंधे पे उसने हाथ मारा और हंसने लगा। वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, ठीक है, हम लोग भाई लुटकिंस को आश्चर्यचकित कर देंगे। डोंट वरी बी हैप्पी, कर देंगे उसको। ओके लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, चलो चलते हैं। यहाँ मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर मी कॉल मी बिल और मैग्नूशन, और यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं मुझे, हाँ हेलो, दो लोग से, दो नाम से मुझे पुकारते हैं, बिल अथवा मैग्नूशन कहकर बुलाते हैं। मेरे दो नाम है, लुटकिंस कह रहा है और वो खुद है वहां पर और उसी को ढूंढवा रहा है। ये तो हमने बताया था आपको कल। ठीक है, आगे देखिए, बुलाते हैं एंड कॉल मी फॉर मैग्नूशन, माय बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नूशन फैंसी कार्टिंग एंड हाइकिंग। मेरा बिजनेस क्या है, मेरे देखिए विलियम मैग्नूशन फैंसी गाड़ी और यातायात, कार्टिंग करना, चालू गाड़ी चलाना मेरा काम है। ओके ऑल राइट, ठीक है, विल सेल बी प्रोसीड टू फ्रिज, चलो अच्छा हम चलते हैं, फ्रिड्स की ओर चलेंगे। यस
Lutkins is just as likely to be there as anywhere. Lutkins का वहाँ अवश्य मिल जाने की संभावना है, वहाँ वो मिलेगा, जबकि Lutkins ही है इससे बात कर रहा है, उसी से बात कर रहा है, लेकिन वो जानता नहीं है इसको, ठीक है? And all right, yes, Lutkins is just likely to be there as anywhere. Plays a lot of poker. वो कहीं पर गेम खेल रहा होगा, ठीक है? छलने का गेम होता है, पोकर बहुत खेलता है, वह लोगों को छलने या धोखा देने में निपुण है. He is good at deceiving people. मैं लोगों को बहुत मूर्ख बनाता है, उनको धोखा देता है. Bill seemed to admire Lutkins talent for dishonesty. ठीक है, बिल जैसे Lutkins की बेईमानी की कुशलता की प्रशंसा कर रहा था. माने बेईमानी है लेकिन उसकी भी वो पापा को बोल दी, हाँ, उसकी बड़ाई कर रहा था. आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन, और मुझे लगा कि यदि वह सिपाही होता तो क्या होता, ठीक है ना? He would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. और वो आदर पूर्वक बंदी बनाकर दुख के साथ जेल भेज देता, ठीक है ना? मतलब वो मेरे को जेल भेज देता, ऐसा वो सोच रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, बिल लेड मी इनटू फ्रिड्ज, ठीक है? बिल मी लेड इनटू फ्रिड्ज, बिल मुझे फ्रिड्ज के यहाँ ले गया, फ्रिड्ज के यहाँ ले जाता है वो, ठीक है? फ्रिड्ज एक दुकान है, दुकान के पास ले जाता है, फ्रिड्ज की दुकान है वो, ठीक है? उसी व्यक्ति के पास ले जाता है, दुकानदार है, शॉपकीपर है वो, ठीक है? Lutkins बिल लेड मी इनटू फ्रिड्ज. हैव यू सीन ओलिवर Lutkins अराउंड टुडे, और उससे पूछता है क्या तुमने देखा है उसको कहीं यहाँ पर. फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, उसका एक फ्रेंड ढूंढ रहा है यहाँ पर, सेड बिल सीयरली, ठीक है ना? बड़ा हंसते हुए उसने कहा, ठीक. नेक्स्ट, फ्रिड्ज लुक्ड एट मी, फ्रिड्ज मेरी ओर देखने लगा, हाइडिंग बिहाइंड बिल, ठीक है, बिहाइंड बिल के पीछे छुप गया. ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, यस ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल एगो, थोड़ी देर पहले यहाँ पर था. गेस ही इज गॉन ओवर टू गस्टाफ्स टू गेट अ सेव, हो सकता है कि वो गस्टाफ के यहाँ गया हुआ है, ये भी एक दुकानदार है, ठीक है ना? गस्टाफ एक नाम है, या गुस्ताफ भी कह सकते हैं इसको, शॉप, ये भी शॉपकीपर है, बार्बर है ये, ठीक है ना? सेविंग करवाने गया हुआ है. वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, ठीक है फ्रिड्ज, अगर वो आए यहाँ पर तो बता देना कि मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ. बी ड्रॉप टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप, गुस्ताफ्स बार्बर शॉप पर वहाँ पहुँचते हैं. अगेन बिल बेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और जानते हैं बिल वहाँ पहले पहुँच जाता है और मैं वहीं पर दरवाजे पर खड़ा था. ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड, ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड, ठीक है ना? वो स्वेड के बारे में नहीं पूछा, ठीक है ना? उसने न केवल स्वेड से आप ही दो ग्राहकों से भी पूछा कि क्या उन्होंने Lutkins को देखा था, ठीक है ना? हाँ, स्वेड, बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन Lutkins, द स्वेड हैड नॉट, उसने कुछ नहीं बताया. ही सेड एंग्रीली, नाराज पूर्वक बोलता है, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, आई डोंट केयर टू, और मैं उसकी कोई चिंता भी नहीं करता हूँ. बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 He owes me. हाँ, लेकिन अगर वो मिल जाए तो उसको बता देना कि उसने मुझसे जो $35 लिया था वो मेरा लौटा दे. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street. लेकिन एक ग्राहक ने बताया कि वो तो अभी मेन रोड से जा रहा था, this side of the hotel. ठीक है, तो मेरे जो उसने $35 वसूल कर लेना जो मुझे उनसे लेने हैं, एक ग्राहक ने सोचा कि उसने Lutkins को मुख्य गली में चलते हुए देखा था, होटल के इस ओर, ठीक है ना? ये लिखा है दिस साइड ऑफ द होटल. नेक्स्ट, एज वी क्लाइम्ब बैक इनटू द हैक, ठीक है, हैक मीन्स गाड़ी होती है, जब हम वापस गाड़ी में बैठे, एज वी क्लाइम्ब बैक इनटू द हैक, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस Lutkins हैड एग्जॉस्टेड his credit at Gustav's,
ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर ए शेव। अब वहां से लुटके ने गुस्ताफ के पास अपनी साख खो दी है, वह शायद सेव बनाने के लिए ग्रे की दुकान पर गया होगा, मतलब दूसरा एक दुकानदार है ग्रे है वहां चला गया क्योंकि उसकी उधारी पड़ी हुई थी तो पैसा दे नहीं रहा था, ठीक है ना। एट ग्रेज बार्बर शॉप बी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स, ठीक है ना। ग्रे नाई की दुकान पर पता चला कि लुटकिंस केवल 5 मिनट पहले ही गया था, मतलब 5 मिनट पहले अभी अभी चला गया वो, ठीक है। 5 मिनट्स ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम एट द पूल रूम में गया होगा, हो सकता है पूल रूम पर ऐसा लगा कि उसने एक पैकेट सिगरेट खरीदी थी। पूल रूम ही अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट, ठीक है, और वहां से चला गया। सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, लेकिन हम पीछे गए बट नेवर कैचिंग हिम, हम उसको पकड़ नहीं पाए। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock आई वॉज हंग्री, अब मुझे भूख भी लगी थी, बट आई हैड टू enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not, ठीक है, बिल्कुल उसके पीछे पीछे, लेकिन उसे कभी नहीं पकड़ सके। एक घंटा बीत गया और वह 1 बज गया था। मैं भूखा था पर मुझे बिल की अपने पड़ोसियों के प्रति राय सुनकर बहुत मजा आया और उसे मुझे इस बात की परवाह ही नहीं रही कि लुटकिंस मिल जाएगा या नहीं, ठीक है ना। मतलब उसके बारे में जो लोग बता रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपांशु कुमारी हेलो, यस सर, हाँ आप सुन रही है ना, चलिए यस सर अगला है। हाँ देखिए, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट आई सजेस्टेड, ठीक है। अब इसमें देखिए, हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, लंच के बारे में आपको क्या विचार है। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, लेट्स गो टू रेस्टोरेंट एंड आई विल बाई यू लंच, चलिए हम किसी रेस्टोरेंट में चले और मैं तुम्हारे लिए लंच खरीदूंगा। बेल, आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, ठीक है, मैं अपनी पत्नी के पास घर जाना चाहता हूँ, या मतलब वहाँ चले गए वो। एंड I don't care much for these restaurants. मुझे ज़्यादा इनकी परवाह नहीं है, मैं इनमें भरोसा नहीं करता हूँ। Only 4 of them and they are all bad. ठीक है, परवाह नहीं, ये केवल 4 हैं और वे सभी खराब हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। Tell you what we will do. चलिए अच्छा बताओ कि क्या करना है हमको, ठीक है। We will get the wife to pack up a lunch for us. सी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $0.5, अच्छा $0.5 से ज़्यादा नहीं लेगी, चलते हैं, वाइफ को बोले वो बना देगी खाना। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रेसी मील इन ए रेस्टोरेंट, अब इसकी हिंदी देखो हम बता रहे हैं, ग्रेसी मतलब होता है चिकनाई युक्त भोजन, इससे ज़्यादा महंगा पड़ेगा और तब हम लोग बेड हिल पर जाएंगे। एंड वी विल गो अप टू द वेड हिल्स एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट, जाएंगे और लंच करते हुए प्राकृतिक दृश्य का मजा ले लूटेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हिल, वेड हिल जगह का नाम है, वहीं पे चलते हैं। नेक्स्ट, आई नो दैट विल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी, हाँ मैं जान रहा था कि वो किस प्रकार से उस व्यक्ति की हेल्प कर रहा था। वॉज नॉट इंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि वो उसको बहुत चाहता था, ठीक है ना। आई वॉज प्लेइंग हिम फॉर हिज टाइम, क्योंकि मैं उसके साथ ये सब खेल चुका था। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट व्हाट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, हाई प्राइस क्या था, बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट मैन, लेकिन वो डिसऑनेस्ट नहीं था। I charged the whole thing to the firm, ठीक है, firm के लिए पूरा चार्ज मैंने किया, but it would have been worth paying him myself to have his presence, ठीक है, वो वहाँ पर आ करके मेरे लिए
पे का ही काम कर रहा था. ही चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी. मतलब कि जो सिटी में रहने वाला था वो उस लड़के की हेल्प कर रहा था. इट वॉज वेरी इनफ फॉर हिम बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल. हाँ, ये मैटर नहीं लगता कि वो कितना जो है लोगों पर हंसता है या उनको हंसाता है. ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फूलिशनेस. उनको माफ भी कर देता है. ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ हू सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च. मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताता है जो चर्च पे बहुत तेज गाती थी. व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेट. कब? जब वो बहुत कर्ज में थी. ठीक है ना. ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ्स. ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे. हाँ, नहीं दोनों कर पाती थी. He made them all alive. On that day, I came to know New Mullion better than I did the city, and to love it better. ठीक है. और मुझे वो जानकारी मिली जितना नगर के बारे में नहीं मिल पाई थी, और मैं इस गांव से और अधिक प्रेम करने लगा. मतलब जहां पर वो आया था. ठीक है. Next, Bill did not know about colleges and cities. बिल को कॉलेज और नगरों की कोई जानकारी नहीं थी. ठीक है ना. बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का खूब दौरा किया था, वहीं घूमता था वो. एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स. और अनेक प्रकार के काम भी करता था वो. ठीक है. फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लॉपर. दो उसके फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लॉपर दो गुण थे उसके. ठीक है ना. साहसिक कामों में सादगी तथा हंसी का एक दर्शन लेकर आया था. ठीक है ना. ही स्ट्रेंथेंड मी. उसने मुझे मजबूत बना दिया, शक्ति दी मुझे हेल्प करके. एंड वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोली. सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग. वॉइस तो हम तो अच्छा बंद हो गया क्या? ओके ओके. हाँ ठीक है. आप देखिए आ रही है. यस सर. नाउ इट इज क्लियर. नाउ इट इज क्लियर. यस ओके. सो वी ड्रॉप देयर. हाँ, वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस. ठीक है. हाँ, हम उसे नहीं ढूंढ सके. ये लिखा बी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ. हाँ, और बिल को कॉलेज और ये हमने आपको बता ही दिया. इसके बाद है अंत में बिल ने लुटकिंस के एक पत्र को पकड़ा और उससे यह स्वीकार कराया कि शायद ओलिवर अपनी माँ के फार्म पर गया होगा. ठीक है. ये यहाँ पर बी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन. हम वहाँ से निकल गए. गुड साइंस रिज्यूम्ड अवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस. वी कुड नॉट फाइंड हिम. हम उसे नहीं पाए. At last, Bill concerned a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. ठीक है. कि वो अपने माँ के यहाँ गया होगा जो यहाँ से 3 मील उत्तर की ओर था. हम वहाँ की योजना बनाते हुए चल दिए. We drove out there laying plans. ठीक. आगे देखिए. I know Oliver's mother. Oliver की मदर को मैं जानता हूँ. She is a terror. ठीक है ना. वह एक आतंक है. Terror means आतंक. वो खुद एक आतंक है. Bill sighed. Bill ने आह भरी. Sighed means आह भरना. I took a trunk out there for her once. मैं वहाँ से एक बार एक ट्रंक उनके लिए लाया था. ठीक है ना. एक ट्रंक लाया था. And she almost took my skin off. और उसने लगभग मेरी खाल ही उधेड़ ली थी. ठीक है ना. Because I did not treat it like a box of eggs. क्योंकि उसके ट्रंक की देखरेख अंडे की भांति नहीं की थी. मैंने देखभाल नहीं की है ना. She is about 9 feet tall and 4 feet thick. वह लगभग 9 फीट लंबी और 4 फीट मोटी और
बिल्ली की भांति चुस्त है, ठीक है, फिट एंड क्विक एज ए कैट एंड सी श्योर कैन टॉक, और वह अवश्य बातें कर सकती है। आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम, ठीक है, शर्त लगाता हूँ कि ओलिवर को पता चल गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ से वहां, वहां से और कहीं चला जाता है, उसको ढूंढ नहीं पा रहा है कोई। एंड चेजिंग हिम एंड ही इज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स। वेल वी विल ट्राई हर, चलो चलते हैं देखते हैं, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, मुझे करने दो बॉय, यू मे बी ग्रेट लिटरेचर एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवेंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वह वहाँ अपनी माँ के स्कर्ट के पीछे छुपने के लिए चला गया है। अच्छा, हम उसी से पूछने की कोशिश करेंगे, पर आप यह काम मुझे ही करने देना, आप साहित्य और कानून में महान हो सकते हैं लेकिन आपको सौगंध खाने का प्रशिक्षण नहीं मिला है, ठीक है ना, ओके, स्वेयरिंग मैंने सौगंध खाना, इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है। वी ड्रॉ इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, और इसके बाद हम एक तुच्छ से पुअर फार्म पर पहुंचे, ठीक है, पुअर बट यू नहीं कहाँ गए, नीचे लाइन में है, पुअर फार्म यार्ड, वी वेयर फेस्ड बाई एन एनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वूमेन, हमें एक हंसमुख बूढ़ी महिला का सामना हुआ, वो वहां पर बैठी हुई थी। माई गाइड ब्रेवली बेंट अप टू हर एंड सेड रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्नूशन द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, ठीक है ना, मेरा गाइड बहादुरी से उस महिला के पास गया और कहा मुझे पहचानती हो, मैं बिल मैग्नूशन हूँ गाड़ी चालक, मैं आपके बेटे ओलिवर को खोज रहा हूँ, ठीक है ना, I don't know anything about Oliver and I don't want to, she shouted. उसने कहा मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ और जानना भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है, Now look here, ठीक है ना, अब इधर देखो, Now look here, we have had just about enough nonsense, अब हमने बहुत बेकार की बातें कर ली, This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins, ठीक है, अब हम हमारे पास या हमारे साथ काफी गुस्ताखी हो चुकी है, यह नौजवान व्यक्ति नगर से अदालत के द्वारा भेजा गया है और हमें लुटकिंस को पकड़ने के लिए उसकी सारी संपत्ति की तलाशी लेने का कानूनी अधिकार है, ठीक है ना, ये वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, इसकी हमें पूरी देखना देखभाल करना पड़ेगा कि इसके पास क्या है, ठीक है, अब ये जांच देखिए चलेगी, इसके बाद हम आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, ओके, ये नेक्स्ट क्लास है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, इससे वो प्रभावित हो जाती है, सी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, हम भी वहीं चले जाते हैं किचन की ओर, सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अ शाउटिंग, चिल्लाती हुई आती है, यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, सी शाउटेड एंड लॉफ्ड एट अवर फ्राइटेन रिट्रीट, ठीक है, मुझे महत्वपूर्ण बना दिया था और वह औरत प्रभावित थी, वह किचन में गई और हमने उसका अनुसरण किया, ने एक पुराने फैशन के स्टोव में से एक लोहा निकाला और हमारी ओर चीखती हुई आई, तुम कहीं भी तलाशी ले सकते हो बशर्ते तुम पहले जलने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना, वह चीखी और हमारे डरकर भागने पर हम पर हंसने भी लगी, चलिए ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू टुमारो, थैंक यू सर, टुमारो मीन्स डे आफ्टर टुमारो, ओके, थैंक यू वेरी मच, यस सर, ओके, बाय बाय, थैंक यू सर, सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास, यस सर।